मैं डॉक्टर मीनू सिन्हा चरण, इतिहास विभाग, जेएन कॉलेज, धुरवा। आज मैं हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के लिए पेपर 13 से विषय लेकर आई हूँ। पेपर 13 से मैंने जो विषय आज के लिए चुना है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, जो कि आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन से लिया गया विषय है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार आर्य समाज की स्थापना की और वह किस प्रकार तात्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थितियों पर प्रभाव डाला, मैं उसी पर अभी चर्चा करने जा रही हूँ। 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में के एक रियासत में एक संपन्न परिवार था। अंबा शंकर के घर में मूल शंकर नामक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दयानंद के नाम से विख्यात हुआ। मूल शंकर को प्रारंभ में धार्मिक शिक्षा दी गई थी। 14 वर्ष की उम्र तक बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस समय एक दिन शिवरात्रि को अंबा शंकर बालक मूल शंकर को शिव मंदिर ले गए। रात को सभी लोग शिव की पूजा और भजन कीर्तन में लगे थे। आधी रात के समय सभी लोगों की आंख लग गई, लेकिन बालक मूल शंकर उस समय भी जगा हुआ था। उसने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर उस पर चढ़ा जा रहा है और प्रसाद खा रहा है। यह दृश्य देखकर बालक के मन में विचार आया कि यदि शिव एक चूहे से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो वे भगवान नहीं हैं। बालक ने तुरंत अपने पिता को जगाया और अपने मन की शंका दूर करने के लिए उसने यह प्रश्न अपने पिताजी से पूछा। अंत में अपने पिता के उत्तरों से वह असंतुष्ट होकर घर वापस आ गया और उसने व्रत को त्याग कर सो गया। यह घटना दयानंद सरस्वती के जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक बहुत बड़ी घटना थी। प्रचलित हिंदू धर्म से उनका विश्वास उठ गया था। इस घटना के 5 वर्ष के बाद दयानंद के चाचा की मृत्यु हो गई और वह बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्हें भगवान बुद्ध की तरह लोगों से यह पूछना शुरू किया कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। जब उनके पिता ने उनकी शादी की तैयारी की, तब 1845 में वे घर छोड़कर चले गए। 1845 से 1869 तक वे साधु बनकर भारत के विभिन्न भागों में घूमते रहे और साधु सन्यासियों के साथ रहे। और 1848 में मूल शंकर नर्मदा नदी की ओर चले गए और उन्होंने अनेक बड़े बड़े साधुओं से वहां के संपर्क में आए और उनसे वे पतंजलि के महाभाष्य, वे वेदांत सूत्र तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों पर के विषय में जाना और उनकी शिक्षा ग्रहण की। 1863 में गुरुजी से विदा लेकर दयानंद सरस्वती पुनः भ्रमण पर निकल पड़े और उन्होंने शिव के भक्त जो उनके शिव के भक्त थे उनसे रुद्राक्ष की माला धारण करते थे और माथे पर जो भभूति लगाते थे, लेकिन भ्रमण के दौरान उनका विचार बिल्कुल ही बदल गया
और उन्होंने यह सब कुछ त्याग दिया। अब वे केवल ईश्वर की पूजा करने लगे, शिव को ईश्वर का एक रूप मानने लगे। यह परिवर्तन उनके उनमें 1866 में आया। दयानंद सरस्वती के बौद्धिक देन से यह विषय प्राप्त होता है। संस्कृत में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। वे एक प्रभावशाली वक्ता थे। उनकी वाद विवाद की शैली अपने आप में बहुत निराली थी। सरस्वती जी पंडितों के साथ संस्कृत में बातचीत करते थे और सत्य से और ज्ञान का परिचय करवाना चाहते थे। 1872 में दयानंद सरस्वती कलकत्ता आए, वहाँ 4 महीने तक रहे और उन्होंने इस बीच में कई बार भाषण दिया और लोगों से वाद विवाद भी किया। उन्होंने ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन से भी भेंट की। दयानंद सरस्वती में एक परिवर्तन आया और वह आया और अब वे संस्कृत के स्थान पर हिंदी में भाषण देने लगे। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 1874 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 1874 के अंत में वे बंबई आए, वहां उन्होंने प्रार्थना समाज के संपर्क में भी वह आए। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से प्रभावित होकर 1875 में उन्होंने आर्य समाज की रचना की। 1877 में दयानंद सरस्वती लाहौर और लुधियाना गए, वहां उन्होंने आर्य समाज का पुनर्गठन किया। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के संपर्क में 1879 में वे उसके संस्थापक जब भारत आए और 1881 में आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक साथ मिलकर काम करते रहे। 1881 में दोनों अलग हो गए। 1882 में दयानंद सरस्वती ने गौ करुणा सभा की स्थापना भी की। इस तरह गौ करुणा निधि पुस्तक की रचना भी की। 30 अक्टूबर 1883 को 59 वर्ष की आयु में सरस्वती जी का देहांत हो गया। इस प्रकार मार्टिन लूथर का कहना है कि बाइबल की ओर लौटो, ठीक उसी तरह दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने भारत और भारतीयों के लिए यह नारा दिया कि वेद की तरफ लौटो। वे भारत के स्वतंत्रता के स्वप्नदर्शी थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म को पवित्र बनाकर प्राचीन शिक्षा विज्ञान को अपनाना, भारत स्वशासन को प्राप्त कर सकता है। दयानंद सरस्वती की मुख्य कृतियां या उनकी मुख्य पुस्तकें इस प्रकार थी। पहला सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा वेद भाष्य और तीसरा था ऋग्वेदांति भाष्य भूमिका। दयानंद सरस्वती का मूल्यांकन करते हुए मैक्स मूलर ने लिखा है कि दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के सुधार का बड़ा काम किया। जहां तक समाज सुधार का संबंध है, वे बड़े उदार हृदय के थे। वे अपने विचारों को वेदों पर आधारित और ऋषियों के ज्ञान पर अवलंबित मानते थे। उन्होंने वेदों पर बड़े बड़े भाष्य किए, जिससे मालूम होता है कि पूर्ण विद्वता उनमें भरी हुई थी। हाँ, इसी प्रकार आर्य समाज और उसके सिद्धांतों पर जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि जो उसके आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत थे, वे ईश्वर को ही, पहला सिद्धांत जो था वह था कि ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का मुख्य कारण है। सब सत्य विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का मूल परमेश्वर है। दूसरा सिद्धांत था ईश्वर सत्य शिव सुंदर शाश्वत असीमित दयावान अजन्मा सर्वशक्तिमान अतुलनीय और अपरिवर्तनीय है, अतः इसकी उपासना करनी चाहिए।
आर्य समाज का तीसरा सिद्धांत था सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर देना चाहिए। इसका चौथा सिद्धांत है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत था सबसे प्रेम धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। छठा सिद्धांत था आर्यों का ज्ञान वेदों में संकलित है, अतः प्रत्येक आर्य को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। सातवां सिद्धांत था संसार में भलाई का काम करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अतः सबको शारीरिक और आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति का विश्वास करना चाहिए। सामाजिक कल्याण के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान से अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। आर्य समाज की देन जो थी सामाजिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम हुआ। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा और अनेक सामाजिक बुराइयों को विशेषकर स्त्री शिक्षा, अंतर जातीय विवाह, विधवा विवाह इत्यादि का उन्होंने भरपूर समर्थन किया। उन्होंने अपने आंदोलनों के द्वारा लाखों हिंदू तथा ईसाइयों तथा मुसलमान जो बने थे और उन्हें शुद्ध करके पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया था। स्वामी दयानंद के पश्चात लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद आदि ने इसका नेतृत्व किया और आर्य समाज ने हिंदू समाज के उद्धार के लिए कई कार्य किए। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज की जो देन है उसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि आर्य समाज ने एकेश्वरवाद को एक ही ईश्वर है ऐसी मान्यता को बढ़ावा दिया। हिंदू समाज के कर्मकांड और पुरोहितवाद का विरोध किया। इस समाज ने अनेक वैदिक धर्मों का पुनरुत्थान किया। वैदिक रीति से यज्ञ, हवन, प्रार्थना, सत्संग आदि करके निराकार ईश्वर की उपासना के सिद्धांत को सामने रखा। इसी दिशा में आर्य समाज की एक और देन थी कि उन्होंने राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी भरपूर बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में नव चेतना का संचार करके हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना को जागृत की। उन्होंने हिंदुओं को बताया कि उनकी संस्कृति विश्व के प्राचीनतम और महानतम संस्कृति है। आर्य समाज ने नमस्ते शब्द को भी प्रचलित किया जो आज भारत के अतिरिक्त देशों में भी लोकप्रिय है। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार आर्य समाज आरंभ में उग्रवादी संप्रदाय था। इसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता थी। वहीं विपिन चंद्र पाल के शब्दों में आर्य समाज यह सत्य है कि पंजाब के हिंदू युवा ईसाई और मुस्लिम धर्म प्रचारकों के प्रचार का मुकाबला न कर पाने के कारण असम्मानित अनुभव कर रहा था। दयानंद के उपदेशों से उन्हें हथियार मिला जिसके द्वारा वे राष्ट्रीय धर्म की तुलना में ईसाई और इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता के दावे को का मुकाबला कर सकते थे। दयानंद सरस्वती ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हिंदी भाषा में पुस्तकों को लिखकर हिंदी भाषा को समृद्धशाली बनाया। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। वे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे। उन्होंने
विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सके, इसका भी संदेश दिया। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में सभी जाति के बच्चों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया। दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद आर्य समाज की शिक्षा के प्रश्न को लेकर दो दलों में विभाजित हो गए। एक दल नेता लाला राजहंस का था, जो पश्चिमी शिक्षा के प्रश्न को लेकर शिक्षा के समर्थक थे, और दूसरा दल जो था वो महात्मा मुंशी राम का था, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। मुंशी राम के प्रयासों से 1900 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। यही मुंशी राम आगे चलकर श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। लाला हंसराज ने भारत में अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और DAV नाम के अनेक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य समाज ने भारत को सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि दयानंद सरस्वती के विचारों को उन्होंने चारों तरफ प्रकाशित किया, और आज भी आर्य समाज की देन जो है वह हमारे भारतवर्ष में फूल फल रहा है।